तो हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज किसी भी ओरिजिन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट शाउट आउट टू दिस गाई अल्टीमेट 360, जिसने कमेंट्स में मुझे बताया कि भाई अगर कॉस्मिक स्पाइडरमैन और फिनिक्स फोर्स दोनों का बैटल हुआ तो कौन जीतेगा, या फिर यूनिपावर वर्सेज फिनिक्स फोर्स अगर हुआ तो उसमें से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का कंसेप्ट में क्लियर कर दूँ कि फिनिक्स फोर्स और यूनिपावर जो है वो दोनों ही इंडिविजुअली एक कॉस्मिक पावर है, ठीक है। उनका कोई वैसे पर्टिकुलर शेप या फिर फॉर्म नहीं होता, दोनों को ही अपने होस्ट चाहिए ताकि वो अपने पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा सके, जस्ट लाइक द सिम्बियोट्स। तो वैसे ही फिनिक्स फोर्स के ही बहुत सारे होस्ट हैं, वो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा ज़रूर, और वैसे ही यूनिपावर्स के भी बहुत सारे होस्ट है, और उसमें ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पॉपुलर है स्पाइडरमैन। तो अब जाते हैं अल्टीमेट 360 ने जो क्वेश्चन किया था कि भाई अगर इन दोनों में बैटल हुआ तो कौन जीतेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ यूनिपावर वर्सेस फिनिक्स फोर्स का बताऊंगा बैटल ओरिजिन या फिर बैटल एनालिसिस काइंड ऑफ, क्योंकि अगर यूनिपावर का मैं बताऊंगा तो उसमें ही स्पाइडरमैन का टॉपिक भी कवर हो जाएगा, मतलब एक चीज़ में दो टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉस्मिक स्पाइडरमैन और यूनिपावर दोनों अलग नहीं है, दोनों ही एक है। स्पाइडरमैन उसका होस्ट है और उसके पावर्स को यूनिपावर कहते हैं। तो जो मैं बताऊंगा वो है यूनिपावर वर्सेस फिनिक्स फोर्स। तो इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए मैंने इन दोनों पावर्स को 5 लेवल्स में डिवाइड कर लिया है। पहले इसका इंट्रो बताऊंगा, फिर ये कैसे काम करता है इसका ओरिजिन स्टोरी थोड़ा सा बताऊंगा, फिर ये किन किन होस्ट के साथ बॉन्ड हुआ है वो बताऊंगा, और आखिर में बताऊंगा इनका पावर्स, और फिर आएगा कुछ एग्जांपल्स ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इन 5 स्टेजेस में मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं द इंट्रो ऑफ यूनिपावर। तो यूनिपावर आखिर है क्या? तो यूनिपावर जनरली एक ग्लोइंग ब्लू ऑर्ब है। अब वो क्या है, ठीक है, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझ लीजिए ब्लू कलर का पावर स्टोन, ठीक है। मुझे पता है पावर स्टोन पर्पल कलर का है, पर ऐसे एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो समझ लीजिए ब्लू कलर का पावर स्टोन और उसके अंदर जो पावर्स है वो एक्चुअली यूनिपावर है, या फिर जो मॉलिक्यूल या फिर जो एटम्स है ना उसका जो फिजिकल स्टेट है उसे हम यूनिपावर्स कहते हैं इन द मार्वल। जो जब किसी होस्ट के साथ बॉन्ड होता है तो वो बन जाता है कैप्टन यूनिवर्स। और एक्चुअली ये यूनिपावर होस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब उसका होस्ट का जो विल पावर है या फिर जो मेंटालिटी है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो यूनिपावर भी वैसे ही काम करेगा, उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये था यूनिपावर। तो चलिए अब बात करते हैं द इंट्रो ऑफ फिनिक्स फोर्स। तो फिनिक्स फोर्स असल में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, जो कि पहली बात इमॉर्टल है और लाइफ डेथ और रिबर्थ साइकिल को कंट्रोल करता है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे यूनिवर्स में जितने भी साइकिक एनर्जी या फिर जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उनको ये कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये था इन दोनों का छोटा सा इंट्रो। तो अब बढ़ते हैं इन दोनों के ओरिजिन की तरफ। तो यूनिपावर का मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल में, द ओरिजिन ऑफ कैप्टन यूनिवर्स, वहाँ पर वो वीडियो देखेंगे तो ये यूनिपावर के बारे में जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब यूनिपावर को इंट्रोड्यूस किया गया मार्वल में, तब वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स में था जहाँ पे अर्थ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका था, और वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स या फिर जो ह्यूमन रेस है वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, पर उनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला होने वाला था बिकॉज ऑफ द हामिन्स। तो हामिन्स क्या है? हामिन्स एक इंडिविजुअल रेस है, एक ह्यूमन रेस है जो अर्थ से एस्केप किया था उस डिस्ट्रक्शन के टाइम में, और वो जानना चाहता था कि यूनिवर्स में आखिर में एकदम एंड में क्या है। तो उन्होंने आखिर में जाके कुछ पावर्स डिस्कवर किए जिन पावर्स ने उन हामिन्स को और भी पावरफुल बनाया, और वो हामिन्स ये चाहते थे कि वो ही इस यूनिवर्स में रहे और उनके नीचे, मतलब उनके पावर्स के नीचे जो इनहेबिटेंट्स या फिर जो ह्यूमन रेस ज़्यादा पावरफुल नहीं है उनको वो ख़त्म कर दे। तो ऐसे ही करते करते हामिन्स पहुंचा एक प्लैनेट जिसका नाम था द इथाका। तो इथाका में जो रहते थे उनका नाम था इथाकॉन्स, और उनका एक राजा था प्रिंस वेफाइंडर। तो जब हामिन्स ने इथाका को अटैक किया तो वहां के राजा को उन्होंने लगभग मार ही दिया था,
और उस इंजियोर्ड राजा ने अपने बेटे या फिर कह सकते हैं प्रिंस वेफाइंडर को कहा था कि एक स्वॉर्ड है पूरे यूनिवर्स में, उसको उस स्वॉर्ड को ढूंढ निकालना होगा और इन हामिंग्स को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि यूनिवर्स में फिर से बैलेंस आ जाए। तो वेफाइंडर ने अपने फादर का बात मानते हुए उस स्वॉर्ड को ढूंढ निकाला एक स्टार में से। तो फन फैक्ट यहाँ पे, जो स्टार में से वो वेफाइंडर ने वो स्वॉर्ड निकाला था, वो स्टार में कभी गैलेक्टस रहता था। जी हाँ, तो वेफाइंडर ने उस स्टार से स्वॉर्ड को निकाला और उस स्वॉर्ड में था डिवाइन लिमिटलेस पावर, और वो पावर जाके वेफाइंडर के साथ बॉन्ड हुआ और वेफाइंडर बन जाता है तब कैप्टन यूनिवर्स, और इसी की मदद से वेफाइंडर ने हामिंस को हरा दिया और फिर से यूनिवर्स में बैलेंस लाया। दूसरी तरफ फीनिक्स फोर्स का कुछ अलग ही स्टोरी है। तो जब यूनिवर्स बना तो यूनिवर्स में साथ ही साथ काफ़ी कॉस्मिक एंटिटीज़ भी क्रिएट हुआ, जैसे कि लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, इन्फिनिटी, तो ऐसी काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ बने। तो जब वो क्रिएट हुए वो एंटिटीज़, तो फिर भी कुछ एनर्जीज या फिर कुछ कॉस्मिक पावर्स तब भी बच गए थे, और उन्हीं बचे कुचे कॉस्मिक पावर्स से क्रिएट होता है या फिर बॉर्न होता है फीनिक्स फोर्स। तो फीनिक्स फोर्स असल में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी यूनिवर्स के पार्ट को चाहे तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है और चाहे तो उसको रिक्रिएट भी कर सकता है। और इस फीनिक्स फोर्स को कभी कभी गार्जियन ऑफ द क्रिएशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये असल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एमक्रैन एक क्रिस्टल का नाम है, उसमें रहता था और जो कि सिचुएटेड था शियार नामक एक एम्पायर पे। तो अब बात करते हैं कि ये दोनों पावर्स किन किन होस्ट के साथ बॉन्ड हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे द यूनिपावर के बारे में। तो यूनिपावर्स के जो जो होस्ट है वो है केसी, माइल्स मोरालिस, डेडपूल, डेयर डेविल, ब्रूस बैनर और सबसे पॉपुलर स्पाइडरमैन। तो ये कुछ यूनिपावर्स के होस्ट थे। दूसरी तरफ फीनिक्स फोर्स के कुछ होस्ट के नाम है फेरम, नेक्रॉम, रैचल ग्रे, एमा फोस्ट, साइक्लोप्स, नमोर, कोलोसस, होप समर्स और सबसे पॉपुलर जीन ग्रे। तो आप बात करते हैं द पावर्स ऑफ फीनिक्स फोर्स एंड यूनिपावर। तो सबसे पहले फीनिक्स फोर्स, कितने सारे पावर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप बताइए कितने सारे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें जितने भी पावर्स है वो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, फिर भी बता देता हूँ एक एक करके। तो फीनिक्स फोर्स के जो जो पावर्स है वो है ब्लास्ट पावर, कॉस्मिक अवेयरनेस, डिमेंशनल मैनिपुलेशन, डिवाइन पावर्स, एम्फैथी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनहेंस म्यूटेशन, फायर कंट्रोल, फ्लाइट, हीलिंग, हीट जनरेशन, इमोर्टलिटी, लॉन्गजिविटी, मैटर एब्जॉर्प्शन, नेक्रोमेसी, पोजेशन, साइकिक पावर्स, रियलिटी मैनिपुलेशन, साइज मैनिपुलेशन, सुपर स्पीड, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, टाइम मैनिपुलेशन और भी काफ़ी सारे हैं, बाप रे। दूसरी तरफ यूनिपावर्स के कुछ पावर्स है फ्लाइट, सुपर ह्यूमन सेंसेस एंड एट्रीब्यूट्स, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, मैटर एंड मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, साइकिक एबिलिटीज। तो अब आते हैं हमारे वीडियो के एकदम लास्ट और फाइनल टॉपिक, जो कि है एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को शायद क्या बोलूँ, काइंड ऑफ ओरिजिन लगेगा क्योंकि फीनिक्स फोर्स का अलग से ओरिजिन स्टोरी है, वो मैं इस वीडियो के बाद लाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं छोटे छोटे पार्ट्स को बता देता हूँ। मतलब जीन ग्रे, अगर मैं अभी आप लोगों को जीन ग्रे के बारे में बताना शुरू करूँगा तो अल्टीमेटली ये एक ओरिजिन स्टोरी हो जाएगा जो कि इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो समझ लीजिए फीनिक्स फोर्स का एक छोटा सा मैं पार्ट बता रहा हूँ। तो फीनिक्स फोर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि काफ़ी पावरफुल है और अपने हिसाब से वो यूनिवर्स के किसी भी एक पार्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर रिक्रिएट भी कर सकता है। तो फीनिक्स फोर्स का वैसे कुछ एकदम पर्टिकुलर फॉर्म या फिर शेप नहीं था, वो एक बर्ड के फॉर्म में था जिसे हम फीनिक्स जानते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने लिए कुछ होस्ट को ढूंढता है जो कि काफ़ी पावरफुल है। तो ऐसे ही करते करते वो एक दिन अर्थ की तरफ आ रहा था और तब अर्थ में था ओडिन।
तो ओडिन को तो समझ, मतलब आप लोग जानते ही ओडिन कितना पावरफुल है, तो ओडिन की तरफ फीनिक्स फोर्स अट्रैक्ट हो रहा था। और तब फीनिक्स फोर्स का जो फॉर्म था वो किसी बर्ड के फॉर्म में नहीं था, वो था एक लेडी के फॉर्म में, ठीक है। तो उसने सोचा कि अगर वो ओडिन को अपना होस्ट बनाए तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि मतलब उसके पावर्स का कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए उसने ओडिन के साथ प्यार करने का नाटक किया और ओडिन के साथ बॉन्ड होने का कोशिश किया। पर ओडिन को अल्टीमेटली ये पता चला कि ये जो फीनिक्स फोर्स है वो असल में एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, वो एक विलेनियस फोर्स है। तो जब ओडिन को ये पता चला तो ओडिन ने फीनिक्स फोर्स को हरा दिया और वहाँ से उसको भगा दिया। तो जब फीनिक्स फोर्स फिर से पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा था तो वो एक और चीज़ से अट्रैक्ट हुआ, जो कि था जीन ग्रे, जिसे हम लोग एक्समैन की मूवीज़ में देख चुके हैं। जीन ग्रे के पावर्स का, या फिर आप समझ लीजिए, जीन ग्रे तब छोटा था, काफ़ी छोटा था, उसका उम्र सिर्फ 10 ईयर्स था, और उसका दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और वो अपनी टेलीपैथी या फिर टेलीकिनेसिस पावर से अपने जो फ्रेंड है उसके सोल को बाहर जाने से रोक रहा था। और इसी पावर से फीनिक्स फोर्स अट्रैक्ट होता है और वो फिर से अर्थ की तरफ आता है। और उसी टाइम एक्समैन, या फिर आप समझ लीजिए एक्समैन क्या समझ लीजिए, एक्समैन ऑब्वियसली सबको पता है, एक्समैन स्पेस में से अपने स्पेस शटल में एक मिशन से वापस आ रहा था, पर एक कॉस्मिक स्टॉर्म में उसका उन लोगों का स्पेस शटल ख़राब हो गया और वो वहीं पे अटक गया। और सिर्फ जीन ग्रे के पास ही ऐसा पावर था कि वो उस कॉस्मिक स्टॉर्म में से उन सभी को बाहर निकाल पाए। तो ये देख के फीनिक्स फोर्स अट्रैक्ट होता है और जीन ग्रे के साथ एक डील करता है। वो डील ये होता है कि अगर जीन ग्रे चाहता है कि उनके जो दोस्त है वो बचे रहे, तो जीन ग्रे को अपने आप को फीनिक्स फोर्स के हाथ में सौंपना होगा और उसके जो माइंड या फिर जो मेमोरीज है वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएंगे और फीनिक्स फोर्स उसको कंट्रोल करेगा। तो ये डील सुन के जीन ग्रे अल्टीमेटली मान जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, और अल्टीमेटली जन्म होता है दी फीनिक्स का। तो अब आते हैं यूनिपावर। तो यूनिपावर दूसरी तरफ एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑलरेडी यूनिवर्स में है, मतलब यूनिपावर्स की वजह से यूनिवर्स नहीं है बल्कि यूनिवर्स की वजह से यूनिपावर है, ठीक है। तो यूनिपावर काम करता है अकॉर्डिंग टू दी विल पावर एंड द स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी ऑफ इट्स होस्ट, ठीक है। तो फीनिक्स फोर्स का एक एग्जांपल में एक मतलब कॉमिक, अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स फीनिक्स फोर्स का मुकाबला ऑलरेडी गैलेक्टस के साथ हो चुका है, जो अपने आप में एक ओमनीपोटेंट कॉस्मिक एंटिटी है। तो गैलेक्टस का पावर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी फीनिक्स फोर्स ने गैलेक्टस को अल्टीमेटली हरा दिया था। वो कैसे, गैलेक्टस कैसे ज़िंदा रहता है, वो एक एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता है और उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या उस प्लैनेट के रिसोर्स के ऊपर वो ज़िंदा रहता है। तो अगर फीनिक्स फोर्स एक पूरे यूनिवर्स या फिर कुछ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो जो रिसोर्स है जिसकी मदद से गैलेक्टस को पावर्स मिलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और फीनिक्स फोर्स आसानी से गैलेक्टस को हरा सकता है। तो ये बात बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि फीनिक्स फोर्स यूनिपावर को भी हरा सकता है, क्योंकि फीनिक्स फोर्स पूरे यूनिवर्स के एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर रिक्रिएट कर सकता है, जो यूनिपावर नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिपावर एक छोटा सा पावर है यूनिवर्स के अंदर, पर फीनिक्स फोर्स पूरे यूनिवर्स को मतलब कंट्रोल कर सकता है, पूरे कॉस्मिक एनर्जीज को कंट्रोल कर सकता है, और कॉस्मिक एनर्जीज में से एक तो यूनिपावर ऑब्वियसली है। तो अब कह सकते हैं कि फीनिक्स फोर्स यूनिपावर को भी कंट्रोल कर सकता है। ऊपर से फीनिक्स फोर्स अपने आप में बैटल एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मतलब वो सिचुएशन को देख के कैसे अपने आप को मैनिपुलेट करना है, कौन से पावर्स यूज़ करना है, वो फीनिक्स फोर्स बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। क्योंकि जहाँ पे फीनिक्स फोर्स अपने होस्ट के हिसाब से काम नहीं करता, आप देखेंगे फीनिक्स फोर्स अपने होस्ट को अपने हिसाब से काम करवाता है, दूसरी तरफ यूनिपावर अपने होस्ट के जो विल पावर है या फिर जो मेंटालिटी है उसके हिसाब से वो स्ट्रांग या फिर वीक बनता है। तो यूनिपावर का जो पावर्स है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है, पर ऐसा फीनिक्स फोर्स के टाइम में नहीं होता। फीनिक्स फोर्स अपने हिसाब से अपने होस्ट को काम करवाता है, पर यूनिपावर ऐसा नहीं कर पाता। ऊपर से गैलेक्टस एक ऐसा ओमनीपोटेंट कॉस्मिक एंटिटी है जो कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने पावर्स को
कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है या फिर यूज़ करता है, और फीनिक्स फोर्स गैलेक्टस को हरा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि फीनिक्स फोर्स भी वैसे ही और भी अच्छी तरीके से बैटल को अपने हिसाब से समझ सकता है और कौन कौन से पावर्स यूज़ करना है या फिर नहीं करना है वो भी समझ सकता है। मतलब आप समझ लीजिए यूनी पावर से थोड़ा एडवांस है फीनिक्स फोर्स। ऊपर से फीनिक्स फोर्स का कुछ फॉर्म्स है, जैसे कुछ एक बर्ड फॉर्म जिसे हम फीनिक्स के नाम से जानते हैं वो किसी लेडी के फॉर्म में भी अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, पर यूनिक पावर में ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने होस्ट के अंदर पूरा बॉन्ड हो जाता है और अपने होस्ट के पावर्स के हिसाब से काम करता है। मतलब उसका होस्ट जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, जितना स्ट्रांग होगा, यूनिक पावर भी वैसे ही उतना स्ट्रांग होगा, उतने अच्छी तरीके से काम करेगा, पर ऐसा कुछ फीनिक्स फोर्स के टाइम में नहीं होता है। पर इन दोनों पावर्स का एक कॉमन पॉइंट है, एक सेम पॉइंट है, वो है इनका होस्ट। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ, मतलब उनका होस्ट जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना स्ट्रांग होगा, वो पावर्स भी उतने ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर आप समझ लीजिए जो जो मैंने बताया कि माइल्स मोरालेस, डेडपूल, डेयर डेविल, ब्रूस बैनर, स्पाइडरमैन, ये सब तो मतलब डेडपूल तो एक तरह से म्यूटेंट है, ऊपर से स्पाइडरमैन, ब्रूस बैनर, ये सारे भी काफ़ी पावरफुल है, और अगर इनमें से इनमें यूनिक पावर्स आ जाता है तो समझ लीजिए वो कितना पावरफुल होगा। पर इन सब में से म्यूटेंट्स थोड़ा अलग मतलब स्पीसीज का सुपर हीरोज़ है, जैसे कि वो अपने आप को हील कर सकते हैं, वो काइंड ऑफ इमॉर्टल है, ठीक है। तो उनमें अगर फीनिक्स फोर्स जैसा कुछ पावरफुल, इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बॉन्ड होता है उनके साथ, म्यूटेंट्स के साथ, तो वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल होगा, और उसका एग्जांपल हमने मूवीज़ या फिर मार्वल कॉमिक्स में देखा है। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद मैं इस कंक्लूजन में आता हूँ कि अगर इन दोनों में फाइट हुआ, फीनिक्स फोर्स वर्सेस यूनिक पावर, तो अल्टीमेटली फीनिक्स फोर्स ही जीतेगा, क्योंकि इसका पावर्स काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने बैटल को समझ सकता है, अपने हिसाब से अपने होस्ट को कंट्रोल कर सकता है जब ज़रूरत पड़ता है, पर वो यूनिक पावर वो नहीं कर सकता। यूनिक पावर्स के पावर्स जो है वो फीनिक्स फोर्स से काफ़ी कम है। जहाँ पे फीनिक्स फोर्स पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने या फिर रिक्रिएट करने का पावर रखता है, वहाँ पे यूनिक पावर सिर्फ एक पार्ट है यूनिवर्स का। तो आई होप मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि दोनों में अगर बैटल हुआ तो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू मी फीनिक्स फोर्स ही विनर होगा। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में है, और मैंने पूरे एग्जांपल्स पूरे डिटेल के साथ आपको बताया है कि क्यों फीनिक्स फोर्स जीतेगा। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि फीनिक्स फोर्स जीतेगा या फिर यूनिक पावर जीतेगा, आपका जो ओपिनियन है वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझसे सहमति है तो वो भी कमेंट कीजिए। और अगेन अ ग्रेट शाउट आउट एंड थैंक यू टू द अल्टीमेट 360, थैंक यू ब्रो फॉर कमेंटिंग। ऐसे ही आप लोग भी कमेंट करते रहना तो मुझे भी काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई कोई मेरा वीडियो देख रहा है, तो काइंड ऑफ मुझे मोटिवेट होने को मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर से कंक्लूजन बता देता हूँ, अगर इन दोनों में फाइट हुआ तो मेरे ख्याल से फीनिक्स फोर्स ही जीतेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का ओपिनियन भी ज़रूर लिखना। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है द ओरिजिन ऑफ फीनिक्स फोर्स, मतलब जीन ग्रे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सपोर्ट करना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।